साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करती हूं और आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे कार्य शिक्षा पर, यानी कि ब्लॉक संख्या 508 का विषय संख्या 508 का ब्लॉक 3। और इसमें भी हमने जो मुख्य विषय बिंदु लिया है वह है कार्य शिक्षा की विषय वस्तु। आपने कार्य शिक्षा की आवश्यकता महत्व के बारे में जाना, आपने जाना कि कार्य शिक्षा की क्या अवधारणा है, आपने कार्य शिक्षा की परिभाषा को समझा और आपने यह भी समझा कि किस प्रकार से कार्य शिक्षा की गतिविधियां विद्यार्थियों में तरह तरह की जीवन कौशलों का और सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास करती हैं। तो अब हम जानेंगे कि कार्य शिक्षा की विषय वस्तु क्या है। यदि आप यह प्रश्न करते हैं कि विषय वस्तु से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि विषय वस्तु से तात्पर्य है कि आखिर वे कौन कौन सी बातें हैं, वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हम कार्य शिक्षा के अंतर्गत करा सकते हैं जिससे कि हम कार्य शिक्षा के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने समाज उपयोगी उत्पादक कार्य की अभिधारणा की संपुष्टि की और इसे उद्देश्यपूर्ण व सारगर्भित शारीरिक कार्य के रूप में परिकल्पित किया। शिक्षा के सभी स्तरों पर इसे एक अनिवार्य घटक माना गया जिसका प्रावधान सुगठित और क्रमबद्ध कार्यक्रम के रूप में किया जाना चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई। मुख्यतः 6 क्षेत्र सुझाए गए जहां से उत्पादक शारीरिक श्रम की परिस्थितियों को लेना चाहिए: स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, आहार एवं पोषण, आवास, परिधान, संस्कृति एवं मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य, समाज सेवा। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु के संदर्भ में सोच विचार करने से पहले कार्य शिक्षा के उद्देश्यों को मद्देनजर रखना जरूरी है। यह स्पष्ट है कि कार्य शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में अनिवार्य जीवन कौशलों का विकास किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कार्य शिक्षा की विषय वस्तु का ताना बाना रोजमर्रा की जिंदगी के इर्द गिर्द ही बुना गया होगा या बुना जाना चाहिए। इस विषय के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्यकलाप मुख्यतः 6 क्षेत्रों से लिए जाते हैं: स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, आहार एवं पोषण, आवास, परिधान, संस्कृति एवं मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य और समाज सेवा। ये 6 क्षेत्र किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के अनिवार्य घटक हैं, अतः कार्य शिक्षा की विषय वस्तु इनसे अलग नहीं हो सकती। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु का आसपास की परिस्थितियों से संबंध होना अनिवार्य है। हमने जिन 6 क्षेत्रों की बात की, आपको नाम से ही लगता है कि किसी भी प्राणी की, किसी भी मनुष्य की रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं 6 क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि विद्यालय में हम जो भी गतिविधि कार्य शिक्षा के अंतर्गत करवाएंगे वो इन 6 क्षेत्रों से, यानी कि विद्यालय में जो मनुष्य विद्यार्थी की रोजमर्रा की जिंदगी है उसी से ही जुड़ी हुई गतिविधियों को हम विद्यालय में करवाएंगे। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के मुख्यतः 3 घटक होंगे: पर्यावरण अध्ययन और उपयोग, सामग्री, औजार तथा प्रविधियों से प्रयोग, और तीसरा कार्य है कार्य अभ्यास। तीनों घटक बच्चों, उनके परिवारों तथा समाज की रोजमर्रा की आवश्यकता पूर्ति की जाने वाली क्रियाओं के इर्द गिर्द से ही लिए जाएंगे। उत्पादक कार्य और आसपास के प्रति की जाने वाली सेवाओं में कार्य अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है,
मात्र एक बार कर लेने से यह निर्णय आप नहीं ले सकते कि बच्चे सब कुछ भली भांति जान गए हैं और किसी भी गतिविधि में निपुण हो गए हैं। कार्य शिक्षा की क्रियाओं, परियोजनाओं का वास्तविक चयन और स्थान विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों और समाज विशेष की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर हो। इससे यहाँ पर हमारा मतलब है कि जो भी आप गतिविधि लेते हैं या जिस भी परियोजना का आप परिकल्पना करते हैं, उसका चयन आप पहले ये देखें कि जहाँ आप चयन कर रहे हैं वो गतिविधि करवाएंगे, वहाँ पर वो सामग्री उपलब्ध है या नहीं, और उस गतिविधि को करवाने वाले यानी कि सिखाने वाले विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं या नहीं, और तीसरी बात कि जहाँ पर आप करवा रहे हैं वहाँ के विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाओं और परियोजनाओं के चयन में विविधता होनी चाहिए। और अब हम लेते हैं पर्यावरण विषय। पहला विषय हमारा ये हो सकता है, यानी कि विषय वस्तु, घर से विद्यालय तथा अन्य किसी स्थान पर आते जाते रास्ते में आने वाली वस्तुओं जैसे मकान, पेड़ पौधों, खंभों, दुकानों, कुछ भी हो सकता है आदि का अवलोकन करना। इससे हम अपनों के प्रति संवेदनशील बनते हैं और उनके साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। यदि हमें यही नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द कौन रहता है या रहती है और वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, तो हम संबंध किस प्रकार से जोड़ेंगे। एक मानवीय संबंध, एक जो समाज का ताना बाना है, वो इस पर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, और यह जानने के लिए अवलोकन करना जरूरी है। दूसरी विषय वस्तु है पर्यावरण स्वच्छता के कार्यक्रमों में अपनों से बड़ों का हाथ बटाना। जैसे पास पड़ोस के पार्क में बिखरी पॉलीपैक की थैलियों या दूसरे प्रकार के कचरे को उठाना, ठहरे हुए पानी के निकास का प्रबंध करना, खरपतवार निकालना, आवारा घूमते पशुओं के लिए उत्तरदायी संस्था को सूचना देना आदि। घर तथा आसपास चल रही कार्य व निष्पादन प्रक्रियाओं का अवलोकन, जैसे घर में खाना बनते हुए देखना और सुविधा के अनुसार खाना बनाने में हाथ भी बटाना, दर्जी की दुकान, कुम्हार का चाक पर बर्तन बनाना, घड़े बनाना, चिनाई का काम, पुताई का काम, रंगाई का काम, माल ढुलाई का काम, नाई का काम, ये सब जितनी भी हमारी उत्पादक और आजीविका संबंधी गतिविधियां हैं, इनका अवलोकन करवाना एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु कार्य अनुभव की है। अपने जूतों पर पॉलिश करना, रिबन, मोजे, रुमाल, अंतर्वस्त्र की धुलाई करना, अपने बस्ते की सफाई करना, बटन टाकना आदि। यदि आप ये सवाल उठाते हैं कि ये सब गतिविधियाँ कार्य शिक्षा की गतिविधियों में यदि हम रखें तो क्या ये बाल श्रम नहीं कहलाएगा, मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से भी बिल्कुल बाल श्रम नहीं है। बाल श्रम का तात्पर्य होता है जब आप किसी भी विद्यार्थी को, 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी आजीविका संबंधी काम में जोड़ते हैं, यानी कि ऐसे काम में जोड़ते हैं जिससे बदले में उसको धन मिले, वह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। पर यहाँ पर हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसको रोज़मर्रा से खुद से जुड़े काम दे रहे हैं, जैसे अपने जूतों पर पॉलिश करे, अपना रिबन धोए, अपने मोजे रुमाल धोए, तो यह बाल श्रम नहीं है, बल्कि विद्यार्थी को अपने जीवन में स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया है। जी, तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अगली विषय वस्तु है घर विद्यालय के पौधों को नियमित रूप से पानी देना, खरपतवार निकालना एवं अन्य प्रकार की आवश्यक क्रिया करना, उद्यान एवं खेतों में फसलों का अवलोकन, कार्य प्रक्रिया का अवलोकन, संबंधित सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना। अगली विषय वस्तु आसपास के पेड़ पौधों के नामों और उपयोगिता से परिचित होना, उनकी देखभाल के लिए तत्पर रहना। यह विषय वस्तु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
जब हम पेड़ पौधों को जानेंगे ही नहीं तो उसकी उपयोगिता कैसे जानेंगे, और उपयोगिता नहीं जानेंगे तो उसकी हम रखवाली भी भला क्यों करें। तो इसलिए पेड़ पौधों को नामों से जाने, उनकी उपयोगिता जाने और उसकी देखभाल क्यों करनी चाहिए, हम इसके महत्व को जानेंगे। डाकघर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, मवेशी खाना आदि में चल रही कार्य प्रक्रियाओं का अवलोकन करना और उसके प्रति जो हमारी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को तरह तरह के सवाल करके शांत करना। सांस्कृतिक व धार्मिक पर्वों पर होने वाले आयोजनों व कार्यकलापों का अवलोकन करना और आवश्यकता के अनुसार उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। अब ये तो रही विषय वस्तु, अब बात आती है दूसरे घटक की। दूसरा घटक है सामग्री, औजारों तथा प्रविधियों से प्रयोग। यहाँ प्रविधियों से तात्पर्य है तकनीकों से, युक्तियों से, यानी कि वे कौन कौन सी युक्तियाँ हैं जिनका उपयोग हम कार्य शिक्षा में करेंगे, जिनका उपयोग हम विद्यार्थियों से करवाएंगे। मानव की दिन प्रतिदिन की जिंदगी से जुड़ा छोटे से छोटा कार्य हो अथवा कोई बहुत बड़ा उद्योग, प्रत्येक कार्य के लिए औजारों की, सामग्री की और तकनीक की जरूरत होती है। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के कार्यकलापों की पूर्ति हेतु काम में आने वाले उपकरणों और सामग्री तथा तकनीक से परिचित करवाती है और अनुभव करने के अवसर भी प्रदान करती है, जिससे विद्यार्थियों में प्रारंभिक स्तर की दक्षता का विकास हो सके। हम यहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाएं आपको बता रहे हैं जो कार्य शिक्षा के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करवाई जा सकती हैं। पहला हो सकता है खेलने की विविध सामग्रियों से परिचय। दूसरा, मिट्टी, पुराने कागज, पुराने अखबार, बांस, पत्ते, कपास, कपड़े की पुरानी कतरने आदि से परिचय और उनसे खेलने तथा काम की वस्तुओं को बनाना आना। ये जो हमने अभी आपको सूची दी, अखबार, बांस, पत्ते, ये तो एक बहुत छोटी सी सूची है। आपके परिवेश में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप कार्य शिक्षा की सामग्री के तौर पर अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं। फिर बात आती है और क्या क्या सामग्री हो, तो रसोई घर तथा घर में उपयोग आने वाले उपकरणों से परिचय, क्षमता के अनुसार उनका उपयोग जानना और उपयोग करना भी आना। सफाई और कपड़ों की धुलाई से काम आने वाले उपकरण व सामग्री जैसे थपकी, ब्रश, मशीन, बाल्टी, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि से परिचय और जो विद्यार्थी की क्षमता है उसके अनुसार वह उसका उपयोग करना सीखे। फूल, पुष्प सज्जा, फूल पत्तों की माला गूंथना, गुलदस्ते बनाना, ये भी एक बहुत ही रुचिकर गतिविधि है जिसको बच्चे बहुत ही चाव से करते हैं और कक्षा दो के बाद से बच्चे इन सबको करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं। आनंद के साथ साथ इससे कई तरह के सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों को भी आत्मसात करते हैं। अब है भिन्न भिन्न धातुओं की पहचान और उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसकी जानकारी रखना। यह जो विषय वस्तु है यह सीधी सीधी हमने पर्यावरण अध्ययन से ली है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन और कार्य शिक्षा दोनों साथ ही मिलकर चलते हैं, समावेशित होकर चलते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा अलग चलेगी और कार्य शिक्षा की कक्षा अलग चलेगी। अगला विषय वस्तु हो सकती है हमारी कलात्मक वस्तुएं तैयार करने, ड्राइंग से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के साथ साथ क्रिया करना। मास्क मेकिंग है, पपेट्री है, रंगोली बनाना है, पतंग बनाना है, गेंद बनाना है, झंडियाँ बनाना है, ये तरह तरह की कलात्मक वस्तुएं हैं, इनको बनाने में हम अपने विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं। हमने तीन घटक की बात की थी। पहला घटक हमने विषय वस्तु की बात कर ली, दूसरा घटक हमने सामग्री, औजारों, प्रविधियों की बात कर ली और तीसरा घटक अब आता है कार्य अभ्यास। कार्य अभ्यास से तात्पर्य है स्वयं कार्य करके अनुभव लेना, यानी कि काम को
करके सीखना। इस तरह से बच्चे को ना केवल व्यापक जानकारी हासिल करने के मौके प्राप्त होते हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में काम करने के मौके भी मिलते हैं जहां वह बहुत कुछ सीख सके, सीखने का रस ले सके, अपनी शंकाओं का समाधान कर सके, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके और घर, परिवार, विद्यालय व समुदाय की विभिन्न कार्य परिस्थितियों की जानकारी ले सके। कार्य अभ्यासियों के लिए दी जाने वाली क्रियाएं इस प्रकार की हों कि जिनके द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता जैसे गुण पनप सकें, उनमें समाज के रचनात्मक कार्यकलापों में खुशी के साथ हिस्सा लेने की ललक हो, उन्हें स्वच्छ वातावरण व सौंदर्यीकरण कार्यक्रमों से भी जुड़ने का मौका मिलना चाहिए, काम तथा कामगारों के प्रति सम्मानजनक रवैया वे अपना सकें, इसके लिए भी बच्चों को कार्य अभ्यास में जोड़ना आवश्यक है। कार्य परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी, आसपास के माहौल के अध्ययन और उत्पादक कार्यकलापों में हिस्सेदारी के अनुभवों से बच्चे के अंदर घटनाओं और अपने तथा आसपास के माहौल को जानने की इच्छा बलवती होती है। अब ये जितनी भी हमने बात की कि किस तरह की सामग्री हो, कैसी तकनीकें हों और कार्य अभ्यास क्यों करवाया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों के समूह बनाए जाएं। क्योंकि जब हमने कार्य शिक्षा की अवधारणा की बात की थी, तब हमने यह कहा था कि कार्य शिक्षा का महत्व इसलिए भी है कि वह बच्चों में नेतृत्व करने की भावना, पहल करने की भावना, इस प्रकार के कौशल विकसित करता है। तो विद्यार्थियों का सामूहिकरण करना बहुत ज़रूरी है। पर किसी भी अचानक आए विचार के आधार पर हम समूहीकरण नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमारे पास निश्चित मानदंड है। और अब हम उन्हीं मानदंडों पर चर्चा करते हैं कि किन आधारों पर हम विद्यार्थियों का सामूहीकरण करें। आपने शायद देखा हो कि जब विद्यार्थी अपने विचारों एवं कल्पनाओं को एक आकार प्रदान करते हैं, तब वह खुशी का अनुभव करते हैं, और जब वे समूहों में कार्य करते हैं तब उनके अधिगम प्रक्रिया द्वारा प्राप्त आनंद की अनुभूति में सकारात्मक रूप से वृद्धि होती है। विद्यार्थी समूह भावना का विकास करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे से सीखने और सिखाने का कौशल प्राप्त करते हैं, विद्यार्थी सहयोग, नेतृत्व जैसे गुणों का स्वतः विकास करते हैं। कार्य शिक्षा के अधिकांश कार्यकलापों की प्रकृति मुख्यतः इस प्रकार की होती है कि उन्हें यदि समूह में काम करवाया जाए तो बेहतर परिणामों की प्राप्ति संभव होती है। दृष्टिकोण निर्माण संबंधित गुण, मूल्य और कौशल तथा कुछ अन्य सामाजिक मूल्य जैसे एक दूसरे के प्रति व परिवेश के प्रति संवेदनशीलता, तदानुभूति, सहयोग, आत्मनिर्भरता के प्रति समझ, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य अनुभूति, श्रम का महत्व, नियमितता आदि, ये सभी गुण और सभी मूल्य और सभी कौशल समूह में कार्य करने से अधिक मुखरित रूप से विकसित होते हैं। समूहों में काम करने से एक साझी संस्कृति का माहौल भी बनता है। ये जो बातें हमने कही, ये सभी सकारात्मक पक्ष तभी उभर सकते हैं जब हम योजनाबद्ध तरीके से विद्यार्थियों के समूहों का निर्माण करें। मैं आपको अब यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी जो समूह निर्माण के लिए आवश्यक हैं। और मैं इसके लिए पहले आपसे सवाल भी करती हूँ। पहला सवाल मैं आपसे यह कर रही हूँ, क्या आप एक ही कक्षा के भिन्न भिन्न समूह बना रहे हैं या दो तीन कक्षाओं को मिलाकर विद्यार्थियों के समूह बना रहे हैं? ऐसा सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं कि कोई गतिविधि दो कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिला जुला कर तब करते हैं, और कुछ गतिविधियाँ हम ऐसे लेते हैं जहाँ पर केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थी मौजूद होते हैं। जो मिली जुली कक्षाओं वाले गतिविधियाँ हैं वह हैं बाल सभा, प्रातःकालीन सभा का आयोजन आदि।
इसमें आप सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिला जुला कर तब आयोजन करते हैं। सह शिक्षा होने पर हम मिला जुला समूह बनाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि लड़कियों का समूह अलग बनाएं और लड़कों का समूह अलग बनाएं। शारीरिक चुनौती वाले बच्चों का पृथक समूह ना बनाकर और बच्चों के समूहों के साथ जोड़ते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ उन्हें कोई अर्थपूर्ण भूमिका और उत्तरदायित्व दिया जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कई अध्यापक क्या करते हैं कि कक्षा में यदि शारीरिक चुनौतीपूर्ण कोई बालक है यानी कि दिव्यांग, उसको वो पृथक रूप से बैठा देते हैं या उनका पृथक समूह बना देते हैं। ये घोर अति अमानवीय प्रक्रिया है और बहुत ही घोर असंवेदनशीलता का परिचय देती है। हमें ना तो जाति के आधार पर कोई समूह बनाए, ना बच्चों के लिंग के आधार पर समूह बनाए और ना बच्चों की शारीरिक क्षमता को देखकर समूह बनाए, बल्कि सभी का मिला जुला एक समूह बनाए, क्योंकि मिलजुल कर ही बच्चे अच्छी तरह से एक दूसरे से सीखते हैं। सभी कुशाग्र व तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों को एक साथ ना रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि मंद गति से सीखने वाले बच्चों व मेधावी बच्चों का मिला जुला समूह बने। ऐसे समूहों के निर्माण से हमारा उत्तरदायित्व आरंभ में तो कुछ बढ़ जाएगा, हमको सतत रूप से इस बात का अवलोकन करना है कि मेधावी अधिक उम्र वाले तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे की क्षमता रखने वाले बच्चे दूसरे को दबाएं नहीं, उनकी बराबर की भागीदारी लें, उन्हें भी निर्णय लेने के अवसर दें और उनके निर्णयों और सुझावों को सुने, समझा जाए और आवश्यकता के अनुसार उनका क्रियान्वयन भी किया जाए। कहने का मतलब यह है कि समूहों में प्रजातांत्रिक माहौल बने, इसके लिए आरंभ में हमारी ओर से अधिक समय निवेश करने की मांग उत्पन्न होती है। यह ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि मान लिया आपने मिला जुला एक समूह बनाया और उस समय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धीमी गति से काम कर सकते हैं। हो सकता है कि कुशाग्र और मेधावी और तीव्र गति से काम करने वाले बच्चे मंद गति से काम करने वाले बच्चों पर हावी होने लगे, तो हमें इस बात के लिए पूरी तरह से सचेत रहना है कि समूह में प्रजातांत्रिक माहौल हो और कोई किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश ना करे। यदि कोई हावी होता है तो समझ लीजिए कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित होगी और नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। हम और भी बहुत सी बातें हैं जिनको हमने जानना है। हमारे समूह निर्माण की प्रक्रिया को कुछ और भी घटक प्रभावित कर सकते हैं, जैसे स्थान की उपलब्धता, संसाधनों सामग्री व उपकरण औजार आदि की पर्याप्तता, समय की उपलब्धता, पर्यवेक्षण व मूल्यांकन की व्यवस्था, विद्यार्थियों की संख्या, कार्यकलाप की प्रकृति एवं उसमें निहित उद्देश्य, अनेक बार विद्यार्थियों की रुचि, पूर्व अर्जित ज्ञान और प्रारंभिक प्रवेश व्यवहार भी हमें तकलीफ देता है। मैं यहाँ पर तकलीफ शब्द को वापस लेना चाहूँगी, तकलीफ तो नहीं देता पर उनके प्रारंभिक परिवेश और व्यवहार को भी हमें ध्यान में रखना होगा जब हम समूह निर्माण करें। मैं इस बात को एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। मान लिया मैंने एक ऐसा समूह बनाया जिसमें 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चों में से 6 बच्चे जो हैं उनका जो पूर्व ज्ञान है यानी कि अनुभव पहले से इतना अधिक है गतिविधि के प्रति कि वो बहुत कुछ जानते हैं, पर 4 बच्चे ऐसे हैं जो उस गतिविधि के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो यहाँ पर ये कोशिश नहीं करनी कि हमने इस गतिविधि उन 4 बच्चों को अलग कर दें, बल्कि कोशिश हम ये करेंगे कि उनका बराबर आकलन करें, अवलोकन करें, मूल्यांकन करें और किसी भी कीमत पर उनको हावी ना होने दें। आगे बढ़ती हूँ मैं। प्रारंभिक प्रवेश व्यवहार के स्तर से हमारा तात्पर्य है कार्यकलाप करने से पहले
उसका कार्य की प्रकृति से जुड़ा पूर्व ज्ञान और समझ। बहुत से बच्चों को घर पर ही ऐसा वातावरण मिलता है जहां उन्हें इच्छावश अथवा किसी विवशता के रहते बहुत सी उत्पादक प्रक्रियाओं से जुड़ना पड़ता है या फिर दैनिक कार्यकलापों में एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। हमारी कक्षा में भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें घर के कार्यकलापों में भाग लेने के अवसर ना मिलते हों, जिनके निज के कार्यकलाप माता पिता के सहयोग से पूरे होते हों। दोनों प्रकार के बच्चों के प्रारंभिक स्तर के भिन्नता हो सकती है, तो एक को प्रदत्त कार्यकलाप से जुड़े ज्ञान तकनीकियों सामग्री की आधी या पूरी समझ हो सकती है और दूसरे को जरा भी अनुभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमारे समूह की संरचना का आधार ये होगा कि हम मिला जुला मिश्रित योग्यता वाला समूह बनाएं और बराबर का आकलन करें कि वो विद्यार्थी एक दूसरे को बराबर का सहयोग दें। तो साथियों, अभी हमने जाना कि कार्य शिक्षा के अंतर्गत हम किस प्रकार की विषय वस्तु लें, कौन कौन सी गतिविधियां हम लें जो हमारे कार्य शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करें। फिर हमने जाना कि कार्य शिक्षा के अंतर्गत किस किस प्रकार की सामग्री को हम जुटा सकते हैं, ये सामग्री हम खरीदें या फिर अपने आसपास के परिवेश से जुटाएं। फिर हमने जाना कि हमारे क्या औजार होंगे, क्या प्रविधियाँ होंगी, क्या तकनीक होगी, और उसके बाद हमने जाना कि जब हम गतिविधियों को करवाएं तो गतिविधियों को करवाने के लिए विद्यार्थियों का समूह हम किस आधार पर बनाएं? क्या हम मिला जुला समूह बनाएं या हम उसकी विशेष योग्यता को देखकर समूह बनाएं? और निष्कर्ष हमने इस बात का लिया कि हम हमेशा मिला जुला समूह बनाएंगे, मिला जुला समूह बनाने से ही हम कार्य शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और जिस प्रकार की भी आपकी यदि कोई शंका अभी भी रहती हो तो आप हमसे संवाद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की विषय वस्तु आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।